आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। भगत सिंह रोड पर कई दुकानदारों के यहां प्रतिबंधित पॉलीथीन की बिक्री की जा रही थी, जिसकी सूचना नगर मजिस्ट्रेट अतुल कुमार को मिलने पर नगर मजिस्ट्रेट अतुल कुमार ने नगर पालिका की टीम व पुलिस बल के साथ लेकर पॉलीथीन बिक्री पर दुकानों पर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान पाया कि दुकानदारों पर मानक के अनुरूप पॉलीथीन की बिक्री नहीं कर रहे थे और इन दुकानों पर मानक से ज्यादा पॉलीथीन पाई गई। इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट अतुल कुमार ने बताया कि 2 अक्टूबर से पॉलीथीन का इस्तेमाल प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसका इस्तेमाल करना या ट्रांसपोर्ट करना गैरकानूनी है। इसी के संबंध में पता चला था कि यहां भगत सिंह रोड पर कुछ दुकानदारों द्वारा पॉलीथीन बेची जा रही है। इन दुकानदारों से पन्नी जब्त की गई और काफी दुकानों से 1,40,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। जब तक पॉलीथीन की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लग जाता, इसी तरह चेकिंग अभियान जारी रहेगा। मुजफ्फरनगर से रोहित त्यागी की रिपोर्ट। पन्नी, पॉलीथीन और थर्माकोल, ये 2 अक्टूबर से प्रतिबंधित हो गया है। इसका बेचना या इसका ट्रांसपोर्ट या इसका इस्तेमाल बंद है। इसी संबंध में ये मालूम पड़ा था कि कुछ दुकानों से ये बेची जा रही हैं, तो यहाँ पे मैं पुलिस और नगर पालिका की टीम के साथ आके इन दुकानों से जो है पन्नी जब्त की गई है और लगभग 1,42,000 रुपये का जुर्माना इनके ऊपर लगाया। जितने वो वजन के हिसाब से है, जिसके पास 5 किलो से अधिक मिली है उसको अलग जुर्माना है, जिसके पास 1 किलो से 2 किलो की बेची मिली है वो अलग जुर्माना है, तो वजन के साथ जुर्माना होता है जो कि मैक्सिमम 25,000 तक होता है। जब तक पन्नी पाती जाएगी तब तक चलता रहेगा, जब तक पॉलिथीन चलती रहेगी। 8-9 दुकानों पर।